नमस्कार दोस्तों, ध्यान मार्ग विद ममता कापड़ी में मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। दोस्तों, अधिक समय ना लेते हुए आइए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि टेलीपैथी क्या है, टेलीपैथी नाम की कोई वस्तु है भी कि नहीं, अगर है तो किस प्रकार से इसका अभ्यास किया जा सकता है और इस कला को सीखा जा सकता है। तो दोस्तों, अपने मन के विचारों को किसी और तक भेज पाना और उसके विचारों को ग्रहण करना बिना किसी उपकरण की सहायता के, यही टेलीपैथी है। बिल्कुल आसान तरीके से अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप किसी दोस्त के बारे में सोच रहे होते हैं और उसका फोन आ जाता है। ये कुछ लोगों के साथ बहुत होता है। बस अपनी इसी काबिलियत को समझने की जरूरत है। मन ही मन की जाने वाली बातचीत का हिस्सा आप भी बन सकते हैं। तो बस थोड़ा विचार शून्यता चाहिए, सब मन का ही खेल है। टेलीपैथी की पावर से आप किसी दूर बैठे इंसान के भीतर अपने विचार पहुंचा सकते हैं। माइंड रीडिंग की तरह यह कला भी काम करती है। बस माइंड रीडिंग में व्यक्ति सामने बैठा होता है और टेलीपैथी में दूर बैठे हुए व्यक्ति के साथ भी आप बात कर सकते हैं। जैसे कई बार फोन की घंटी बजती है और हमें पहले से ही पता चल जाता है कि जरूर उसका फोन होगा और उस सोचे हुए व्यक्ति का ही फोन भी होता है, तो बेहद ही आसानी से अपने विचारों को कैसे भेज सकते हैं बिना फोन और पत्र के, जानेंगे तो सही और प्रयोग भी करना सीखेंगे। इस कला का नाम टेलीपैथी है। अगर अच्छे से और गहराई में समझना चाहें तो टेली यानी कि दूरी, पैथी यानी कि भावनाएं, और यदि परिभाषित करें तो वह मानसिक शक्ति जिसके द्वारा बिना 5 इंद्रियों का इस्तेमाल किए 2 मस्तिष्कों के बीच संवाद स्थापित करना है। टेलीपैथी एक मस्तिष्क आधारित मनोवेग है जो हर जीवित प्राणी में निहित होता है। अब क्योंकि यह अवचेतन मन की शक्ति है तो हर व्यक्ति में जागृत नहीं होती है। टेलीपैथी के द्वारा आप अपने विचारों को, यानी आप दूसरों तक अपने विचार, भावनाएं, संवेदनाएं, यहाँ तक कि मानसिक चित्रण को भी भेज सकते हैं। टेलीपैथी से आप मनुष्य, जानवर, पक्षी, पेड़, पौधों तक के भी भाव जान सकते हैं। जब बच्चा तकलीफ में होता है तो सबसे पहले माँ को पता चल जाता है। कैसे? यह टेलीपैथी के जरिए ही होता है, क्योंकि बहुत ही गहरी भावनाएं जुड़ी होती हैं एक माँ की अपने बच्चे के साथ। महाभारत काल की अगर हम बात करें तो संजय के पास यह कला थी दोस्तों, जिसने दूर बैठकर भी समस्त युद्ध का अक्षरशः वृतांत धृतराष्ट्र को सुनाया था। यह हमारे साथ अक्सर होता है पर हमको इस बात का एहसास नहीं होता। कभी कभी तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे होते हैं जो आपके बेहद करीब होता है और उसी समय वो आपके दरवाजे पर खड़ा मिलता है। यह संदेश देने या प्राप्त होने के लिए एक इंस्टेंट तरीका है। 5 इंद्रियों के बाद छठी इंद्री जागृत हो जाने पर व्यक्ति को भविष्य में होने वाली घटनाओं की भी जानकारी होने लगती है। यह कोई जादू नहीं है दोस्तों, यहाँ भी एक विज्ञान की तरह काम होता है जिसे अतिंद्रिय ज्ञान कहा जाता है। इसे आध्यात्म ही नहीं विज्ञान ने भी मान लिया है। टेलीपैथी बिना किसी यंत्र की सहायता के अपने विचारों को दूसरे तक पहुँचाना और दूसरे के विचारों को ग्रहण करना होता है। इसकी प्रक्रिया मस्तिष्क आधारित संवेगों पर नियंत्रण की प्रक्रिया है। इन संवेगों पर नियंत्रण का अभ्यास टेलीपैथी में व्यक्ति को निपुण बना सकता है। मैं यहाँ कुछ तरीके आपको बताऊंगी जिनके अभ्यास से आप भी टेलीपैथी में महारत हासिल कर सकते हैं। परावैज्ञानिक जो होते हैं, उन वैज्ञानिकों ने मानव मस्तिष्क में छुपी हुई शक्तियों पर शोध करते हुए पता लगाया कि मनुष्य के अवचेतन मन में अलौकिक और अकल्पनीय शक्तियाँ विद्यमान हैं। यदि अवचेतन मन की उन शक्तियों को योग, ध्यान इत्यादि के द्वारा जागृत कर लिया जाए तो अनेकानेक कौतुकमयी चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति के मन की बात जान लेना, किसी व्यक्ति से मिलते ही उस व्यक्ति के भूत, भविष्य या वर्तमान की जानकारी प्राप्त कर लेना, या उसके साथ घटने वाली घटनाओं को स्पष्ट देख लेना, यह क्रियाएं साधक के जीवन में आकस्मिक होने लगती हैं। ऐसी चमत्कारी घटनाओं को अतीन्द्रिय शक्तियों का चमत्कार कहा जाता है। वैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने मस्तिष्क में उठ रही तरंगों पर काफी शोध किया। फलस्वरूप वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मन के अंदर के अवचेतन मन को यदि क्रियाशील बनाया जाए तो बिना किसी आधुनिक उपकरणों
और संचार माध्यमों के भी मन की तरंगों को पढ़कर दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को जाना जा सकता है तथा दूसरे के मन पर अपना प्रभाव भी डाला जा सकता है। यहाँ तक कि उसे अपने मनोनुकूल कार्य करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। इसी श्रृंखला में मनोवैज्ञानिकों ने अतीन्द्रिय शक्तियों से संपन्न व्यक्तियों में शोध करके पता लगाया कि मनुष्य मस्तिष्क में कोई विचार उठते ही वह समस्त आकाश में अल्फा तरंगों के रूप में फैल जाती हैं, जिसे कोई भी व्यक्ति अपने अंतर्मन की शक्तियों को जगाकर उन तरंगों को पकड़कर प्रेषित विचारों व उसके स्रोत तक पहुंच सकता है अथवा हजारों किलोमीटर दूर घट रही घटनाओं को देख सकता है, साथ ही भविष्य में घटने वाली घटनाओं को भी स्पष्ट रूप से देख सकता है। कुछ शोधों के अनुसार ध्यान साधना के द्वारा भी अतीन्द्रिय शक्तियों को जगा के मानसिक शक्तियों के माध्यम से विचार संप्रेषण तथा तीनों कालों की जानकारी हासिल की जा सकती है। कैसे करें ध्यान साधना? क्योंकि जो पहला चरण है वो ध्यान से होकर ही गुजरता है। दोस्तों, आपको किसी भी अतीन्द्रिय अपनी शक्ति को जगाना है, चाहे हम छठी इंद्रिय की बात करें, चाहे हम आज्ञा चक्र की बात करें, सहस्त्रार की बात करें या कुंडली ध्यान साधना की बात करें, प्रत्येक ध्यान साधना या प्रत्येक अतीन्द्रिय शक्ति का जो रास्ता है वो ध्यान से होकर ही गुजरता है। क्योंकि ध्यान का भी सीधा संबंध मन से है। मन के अंदर मनुष्य के अंदर दो प्रकार का मन होता है, एक बाह्य एक अंतर्मन। बाह्य मन का स्वभाव चंचल होता है, कुटिल होता है, जिसमें काम, क्रोध, अहंकार, छल, कपट इत्यादि दुष्विचार उत्पन्न होते रहते हैं, जो मनुष्य के पतन का कारण तक बन जाते हैं यदि नियंत्रण ना रखा जाए तो। अब वहीं अंतर्मन का स्वभाव अत्यंत ही शांत और निर्मल है, जो मनुष्य को हमेशा अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करता है। जब बाह्य मन अधिक सक्रिय होता है तो अंतर्मन सुसुप्तावस्था में होता है। अधिकतर देखा गया है कि 99% जो लोग होते हैं उनका जो अंतर्मन है वो सुसुप्तावस्था में ही होता है और 1% लोग ही बस ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ अपना कार्य किया, अपने अंतर्मन को जगाने के लिए मेहनत करी, ध्यान साधना के द्वारा वो आगे बढ़े। तो उसी सुसुप्तावस्था से बाहर आने की प्रक्रिया ध्यान कही गई है। मन को बेलगाम घोड़े की संख्या दी गई है। दोस्तों, मन कभी एक जगह नहीं रह सकता, हर समय चंचलता नई नई इच्छाओं को जन्म देता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य जीवन भर काम, क्रोध, मोह इत्यादि से पीड़ित रहता है। इसके बावजूद भी जब मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती तो व्यक्ति दुखी होने लगता है। परंतु यदि व्यक्ति चाहे तो अपने अंतर्मन को सक्रिय करके उसमें छुपी हुई अलौकिक शक्तियों का स्वामी बन सकता है और एक शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकता है। मन को वश में कैसे करें? यह थोड़ा कठिन कार्य जरूर है, पर थोड़ा प्रयासों के बाद इसे वश में किया जा सकता है। हमारे शास्त्रों में मन को साधने के बहुत से तरीके बताए गए हैं, जिसमें सबसे आसान और उचित साधन है ध्यान। ध्यान साधना के माध्यम से कुछ ही दिन और महीनों की साधना से, इसके प्रयासों से ये हो सकता है। मन की एकाग्रता धीरे धीरे बढ़ने लगती है और एक जागृत अंतर्मन के साथ निर्मल स्थिति प्राप्त हो सकती है। ध्यान को मन की चाबी कहा जाता है। इससे अंतर्मन चैतन्य होने लगता है, पवित्र ही नहीं व्यक्ति निरोग भी हो सकता है। ध्यान की शुरुआत सबसे पहले साधक को ब्रह्म मुहूर्त में करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्य उदित होने से पहले का समय माना जाता है। आप सुखासन, पद्मासन या किसी भी अवस्था में बैठ के ध्यान कर सकते हैं। अपने शुरुआत के दिनों में किसी भी व्यक्ति को आज्ञा चक्र में ध्यान लगाना चाहिए तथा शरीर को अपने वश में करने का प्रयास करना चाहिए। शरीर को हिलाना डुलाना, खुजलाना इत्यादि शारीरिक क्रियाओं पर भी नियंत्रण रखें। ध्यान मार्ग में ध्यान के 3 आयाम बताए गए हैं, जिनकी एक एक करके मैं आपको पूरा व्याख्या करके बताऊंगी। मन तब अत्यधिक चंचल हो जाता है, मन में अनेकों प्रकार के ख्याल उभरने लगते हैं, जब आप साधना में लीन होते हैं। विचारों को जितना अधिक दबाने की कोशिश की जाती है उतने ही अधिक प्रबल होकर मस्तिष्क पर छाने लगते हैं। इसके लिए इसके 3 आयाम बनाए गए, जिससे कि ध्यान करना थोड़ा सा आसान हो जाए। अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला है विचार दर्शन, फिर विचार सर्जन,
फिर विचार विसर्जन। अब दोस्तों इनकी एक एक करके व्याख्या करते हैं। विचार दर्शन क्या है? जब साधक ध्यान में बैठे और जो विचार आने लगे उन्हें आने दें, रोकने का प्रयास ना करें, ना ही उन्हें दबाने का प्रयास करें, केवल दृष्टा बनके देखते रहें। दृष्टा यानी देखने वाला, बनके देखते रहें कि किस तरह से विचार, एक विचार के हटते ही दूसरा विचार आ जाता है, दूसरे विचार के हटते ही तीसरा विचार आता है। मन के कल्पना लोक को देखते रहिए, बस इसी प्रक्रिया से धीरे धीरे विचार आने कम होने लगेंगे और आप स्थिर होते जाएंगे। दूसरा है विचार सर्जन। इसमें साधक को अपनी आंखें बंद करके अपने ध्यान को आज्ञा चक्र में केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए। तत्पश्चात मन में कोई विचार लाएं, उस पर कुछ देर ध्यान टिकाएं, फिर उस विचार को हटा दें और नया विचार लाएं। इस प्रक्रिया को कुछ दिन और कुछ बार प्रत्येक ध्यान में जब भी आप बैठे बार दोहराते रहें। इससे धीरे धीरे मन थकान अनुभव करेगा और सब कुछ सोचना बंद कर देगा। इस तरह मन आपके वश में काबू में होने लगेगा और विचार शून्यता की ओर बढ़ने लगेगा। अब बात करते हैं विचार विसर्जन की। इसमें साधक धीरे धीरे सांसें लें और धीरे धीरे उनको छोड़ें। जैसे ही मन में कोई विचार आए उसे हटा दें। हर बार इसी क्रिया को करते रहें। निरंतर इसके अभ्यास से मन निर्विकार होने लगता है और विचार शून्य की स्थिति बनने लगती है और कुछ चमत्कारिक अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। ध्यान की अवस्था में ही टेलीपैथी, जब साधक का मन एकाग्र होने लगे तभी होगा, क्योंकि एकाग्रता दोस्तों बहुत जरूरी है, चाहे वो टेलीपैथी है, माइंड रीडिंग है। अब इसका रास्ता ही ध्यान है, इसलिए सबसे पहले हमको ध्यान ही सीखना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले आप अपने गुरु या इष्ट से ध्यानावस्था में ही अनुमति लें, उसके बाद ही यह प्रयोग शुरू करने चाहिए। आप त्राटक भी कर सकते हैं। इसके लिए अलग से मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगी कि त्राटक जो है वो किस तरीके से किया जाता है, कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए। परंतु इसका सामान्य अर्थ अभी मैं बता देती हूँ। किसी वस्तु या व्यक्ति को एक टक अपलक देखते रहना बिना पलक झपकाए, अपलक मतलब बिना पलक झपकाए देखते रहना ही त्राटक कहा जाता है। इसके द्वारा साधक की आंखों में अनोखी सम्मोहन की शक्ति आ जाती है। परंतु ध्यान के शुरुआती दिनों में केवल अपने इष्ट देवता या गुरु के चित्र के सामने ही त्राटक करना चाहिए। पर ध्यान रहे, चित्र आपकी आंखों के बिल्कुल सामने हो, यानी कि उसको देखते हुए आपकी गर्दन इधर उधर नहीं होनी चाहिए या ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और 2.5 फीट की दूरी पे हो जो चित्र है। धीरे धीरे समय बढ़ाते जाएं, जिसे आप 10 मिनट से 5-5 मिनट करके बढ़ाते जाएं। अब लगातार इसको करने से आपका ध्यान केंद्रित तो होगा ही। कुछ देर इसे करने के बाद आपको उस चित्र में से एक नीला प्रकाश आता दिखाई देगा, जो आपके चारों तरफ फैलता हुआ आपको महसूस होगा और आप पूर्णतया उसमें खो जाएंगे। यही तो ध्यान है, विचार शून्य स्थिति। जब आप भी ना रहें, विचार तो दूर की बात है, विचार तो हटने ही चाहिए। जब आपको अपने होने का भी एहसास ना रहे, वही तो है ध्यान की स्थिति, सब कुछ खो जाए। मस्तिष्क में अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें और अपने गुरु से वार्तालाप करने का प्रयास करें, क्योंकि यही वह ध्यान की निर्मल स्थिति है जिसमें आप टेलीपैथी का अभ्यास करेंगे। जब अपने गुरु या इष्ट के किसी से किसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर मिलने लगे, तो उसके बाद आप किसी भी व्यक्ति के चित्र में त्राटक करके उसके मस्तिष्क में उठने वाली तरंगों को पकड़ने का प्रयास करें। जब आप इसमें भी समर्थ हो जाएं, इसमें भी एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो फिर आपको किसी के भी चित्र की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके परिवार में से कोई भी व्यक्ति जिसके साथ आप भावनात्मक तौर से जुड़े हों, उनको आप रिसीवर के रूप में अपना साथी बनाइए, क्योंकि ये दो मस्तिष्कों के बीच एक मानसिक संवाद है। इसलिए आप सेंटर बनिए। इस अभ्यास में आत्मीय विश्वास रखिए, साथ ही टेलीपैथी की इस प्रक्रिया में भी भरोसा होना अति अनिवार्य है। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर टेलीपैथी के विषय में और आपको कुछ जानना है या कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है, ठीक है, ध्यान तो करना है, त्राटक करना है, आप ध्यान शुरुआती दिनों में, क्योंकि ध्यान भी बहुत सारी प्रक्रियाएँ बताई गई हैं, अगर आप YouTube या Google पे या किसी से भी पूछेंगे तो हर व्यक्ति आपको एक नई ध्यान की विधि बता देगा, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइए, आप एक मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी ध्यान से रिलेटेड कि आप शुरू कैसे करें ध्यान को, क्योंकि ध्यान की 108 विधियां हैं,
नॉर्मली जो आप कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में मैं आपको आसान से कुछ विधियां बताऊंगी। त्राटक की भी, जो त्राटक मैंने आपको बताया वो भी ध्यान की विधियों में से ही एक है, तो त्राटक भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अगर आप जानते हैं या आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है ध्यान का, तो आप प्रयास करिए और कोशिश कीजिए कि प्रतिदिन आप, आज जैसे कि आज बैठे आप 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठे और ध्यान के लिए बैठे, भले ही आप 15 या 20 मिनट ध्यान करिए, बट डेली उसी टाइम पे आप ध्यान कीजिए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कम से कम एक विधि का जो अभ्यास है वो 3 महीने तक करें, तभी आप पारंगत हो जाएंगे। मैं जल्दी ही मिलूंगी त्राटक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक